नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय मकर राशि वाले, 30 जून 2024 से पहले आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। जी हाँ, आप ये बात अवश्य सोच रहे होंगे मकर राशि वाले कि आखिर वीडियो का टॉपिक इस प्रकार से क्यों रखा गया है। इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल कारण है और मैं यह भी बताऊंगा कि आखिर यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, किस कारण से बोल रहा हूं और आगे क्या होगा। ऐसे ये जो राशिफल होगा मकर राशि वाले, यानी ये जो पूरी भविष्यवाणी है, ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लग्न या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय मकर राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। और बात यह है कि आपको यह जानकारी होना चाहिए कि काल पुरुष के कुंडली में जो दसवां घर होता है वही मकर राशि होता है। दसवां घर जो होता है वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके कर्म और उसके पिता और उसके सामाजिकता को और दुनिया में उसके काम करने के तरीकों को दिखाने वाला होता है। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं मकर राशि वाले, शायद आपको यह बात पता ही नहीं होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखाकार हुए हैं ज्योतिष के, केपी वर्मा। आपको बताना चाहता हूं कि इनके एक बुक में स्पष्ट तौर पर प्रमाण है कि मकर राशि में वही व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने जीवन में पिछले जन्म में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों का त्याग किया है। समझ लेना, यानी कुछ ऐसा त्याग वो किया है जो त्याग की वापसी के लिए इस जन्म में उसका जन्म होता है। इसलिए मकर राशि वाले, आप एक ऐसे इंसान होते हैं जो दयालु भी होते हैं, भावुक भी होते हैं, सभी लोगों को लेकर के चलते हैं और बहुत कम लोगों से कहीं ना तो कहीं घनिष्ठता संबंध बनाते हैं, क्योंकि आप अपने कर्म क्षेत्रों के लिए बहुत ही तत्पर होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न भी हुई, जैसे वर्तमान समय में शनि की 7.5 के तीसरे चरण से आप गुजर रहे हैं और 2017 से ही आपका टाइम खराब है, क्योंकि 2017 से ही आपके जीवन में उस जमाने में शनि का धनु राशि में गोचर करना, जो द्वादश भाव में बहुत शुभ नहीं था, और इसके बाद फिर जो है बृहत 3 वर्षों से राहु का पंचम भाव वृषभ में और चतुर्थ भाव मेष में गोचर करना, 2017 से ही लाइफ की डिस्टरबेंस बनी। 2017 में सबसे पहले आप क्या हुआ, अगर आप यंग थे तो गलत लव रिलेशन के चक्कर में फंस गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आप इससे जैसे ही बाहर निकले घरेलू पक्ष की अस्थिरता और परेशानियां उत्पन्न हुई। 2017 के बाद से जो भी धन आपने संचय करके रखा 2023 तक में सभी के सभी बर्बाद होने के कंडीशन पे आया। 2017 से 23 के मध्य में वैवाहिक जीवन के भी कष्ट स्थिति हुई, माता की मृत्यु से रिलेटेड भी दुख का समाचार आपके जीवन में मिला, सामाजिक ख्याति खराब हुई, आप स्वयं अपने घर से दूर हुए और साथ में जो है खुद के भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने बखूबी अच्छा से भी निभाया, लेकिन बदनामी के सिवा आपको कुछ नहीं मिला, धार्मिक कार्य भी कुछ नहीं हो पाया, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ विशेष तौर पे आपकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हो पाई। अच्छा में क्या हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि भाई अच्छा में क्या हुआ। अच्छा में आप अपनों का और परायों का पहचान कर पाए। अच्छा में आपके साथ ये हुआ कि आप भले ही किसी रिलेशनशिप में थे, आपको सामने वाला का असली चेहरा पता चल गया। अच्छा में यह जरूर हुआ कि जो स्थानांतरण आपके जीवन में हुआ या व्यर्थ का नौकरी व्यवसाय में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उससे बहुत कुछ आप सीखने को मिले। लेकिन अब शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है और 30 जून तक जो है मकर राशि वाले, शनि पूर्ण रूपेण कुंभ राशि यानी द्वितीय भाव में जो है मजबूत पोजीशन पे हैं। युवावस्था में भी कुछ हद तक ये आएंगे, क्योंकि ये कुंभ राशि विषम राशि में है तो 13 डिग्री के आसपास ये गोचर करना चालू करेंगे। तो अब 30 जून 2024 से पहले अब आपके दिमाग में कुछ ऐसी ऐसी बातें आई हैं जो जनरली बहुत ही कहीं न तो कहीं महत्वपूर्ण है।
अब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहला काम अपने जीवन में आप खुद से क्या सुधार कर रहे हो, शनि के तीसरे साढ़े साथी का तीसरा चरण हो, और इसके अलावा जो है आपके ग्रहों का प्रभाव की स्थिति के बात करूं। सबसे पहला आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, किससे कैसे बात करना है, 30 जून से पहले आप अपने आप को इस मामले में रिप्लेस कर रहे हो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, और सामाजिक लोगों से जो दूरियां बना रखे थे आप धीरे धीरे कनेक्ट होते जा रहे हो, और डाउन टू अर्थ होकर के अपने काम दूसरे से कैसे निकालना है ये आपके अंदर अब डेवलप होता चला जा रहा है, और 30 जून तक आप इसमें सुधार कर लोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मनी सेविंग को लेकर के मामला एकदम बेकार चल रहा था, तो आप एक एक रुपए का हिसाब कर रहे हो, छोटे से लेकर बड़े कस्टमर का व्यापार में और नौकरी में आप अपने बॉस से लेकर के अपने परिवार से लेकर हर चीज़ों को तालमेल बेहतर बना के चलना प्रारंभ कर दोगे 30 जून से पहले। 30 जून से पहले आप अपने जीवन में जो नौकरी को छोड़ करके ईगो में या व्यापार में व्यर्थ का स्थानांतरण करके या व्यापारिक प्लेस आपका चला गया था या व्यापार करने का स्थल जो चला गया था, 30 जून से पहले आप अपने नए व्यापार के स्थल को खोज लोगे, और जिन सीनियर अधिकारियों से या पारिवारिक लोगों जिन सीनियर अधिकारियों से या कर्म क्षेत्रों में जो लोगों से आपका मतभेद हुआ था, अब आप झुक करके अपना व्यापार और नौकरी को रीडेवलप करके 30 जून से पहले अपने आप को सेटल कर लोगे। इसके अलावा फिर आप क्या करोगे, जैसी भी परिस्थिति हो, आप गलत रिश्ते में हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका डायवोर्स हो चुका था या नहीं हुआ था इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इससे कि अगर आप किसी लव रिलेशन में हो और उसका कोई पड़ाव अंतिम नजर नहीं आ रहा है तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल करके जो है नए विवाह के लिए तत्पर हो जाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आप अपने पारिवारिक लोगों से और अपने जन्म स्थान से या पहले के कर्म क्षेत्र के लोगों से जो आपने कनेक्टिविटी खत्म की थी, अब वहां पर आप आना जाना चालू कर दोगे। इसके अलावा इग्नोरेंस, जो आप छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करते थे, इसको ठीक करोगे। जीवन के सबसे बड़े फैसले आप ये लेने वाले हो कि हर चीजों को अपने जीवन साथी के द्वारा या परिवार के द्वारा या मित्रों के द्वारा पूछ पूछ के जो आप करते थे और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में फंस जाते थे और परिणाम स्वरूप उल्टा हो जाता था, उसको आप ठीक करना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में क्या है कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले हो, और मैंने बताया ना कि जो व्यर्थ के डीप रिश्ते हैं जिसमें आप बर्बाद हो रहे हो, तो डीप और फालतू रिश्ते से बाहर निकल करके जो है आप अपने आप को कहीं ना तो कहीं बहुत ज़्यादा दुनिया लोगों के मध्य में एक्सप्लोर करोगे और अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने का प्रयास करोगे। जो आपका इज्जत और सम्मान गया, अब खुद से आप अपने मेहनत से इज्जत और सम्मान को वापस लाने वाले हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, द्वितीय भाव पे शनि का विराजमान होना और राहु का अब तृतीय भाव में जाना आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो भी डिस्टर्बेंस इसको खत्म कर दोगे, खुद का इनकम का सोर्स बनाओगे, विदेश जाने को लेकर के भले ही परिवार के लोग रेडी ना हो या किसी प्रकार के मोह माया में फंसे हो आप इससे बाहर निकलोगे, कोई ऐसा खानदानी संपत्ति का विवाद है जो बहुत समय से डिस्टर्ब कर रहा है इससे बाहर निकलोगे, माता से कलेश या मतभेदता है अब इस प्रकार की भी मोहमाया से निकल के 30 जून तक आप अपने कर्म क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने वाले रहोगे। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, 30 जून तक अगर आपकी वैवाहिक जीवन खराब है तो आप उसमें झुक करके रिश्तों को भी ठीक करने वाले रहोगे, साथ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव है या आपके सीनियर या पिता आपको बहुत मतभेद कर रहे हैं तो उनसे भी बाहर निकल करके अपने लाइफ को बहुत ही सुचारू और सेटलमेंट तरीके से बढ़ना चालू कर दोगे। ये है 30 जून 2024 तक के मध्य का ऐसा विचार जो आप अपने जीवन में करने वाले हो। आप अपने पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू करना चालू कर दोगे और 30 जून तक सबसे ज़्यादा जो लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो कि आप प्रॉपर्टी लोगे, वर्क प्लेस पे इन्वेस्ट करोगे, और इसके अलावा जो है दायित्व को कम करके अपने लिए जीना चालू कर दोगे, जो 2017 के बाद से आप तक आज तक आपने नहीं किया है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ जियोगे, इमोशनल रिश्तों से बाहर निकल जाओगे। इसलिए मकर राशि वाले 30 जून तक आप ये काम करने वाले हो, फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ गणेश चालीसा का पाठ और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए।
तो 30 जून तक 2024 से पहले मकर राशि वाले आप क्या करने वाले हो, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।